गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, जरा गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? यस। हाँ, अब लगा ना कि आप लोग जुड़े हो, आवाज नहीं आती, अच्छा नहीं लगता। शांति से बैठकर देखोगे, सुनोगे, है ना? दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है? तारीख दिख रहा है, सुविचार दिख रहा है। अच्छा देखो, तारीख दिख रहा है, सुविचार दिख रहा है। बताओ तो जरा। डायरी 25 तारीख है, दिन कौन सा है? गुरुवार। कौन सा दिन है? गुरुवार। गुरुवार आज का हमारा शुभ त्योहार है, अन्न माया धर्म का। हमें अन्न को वेस्ट नहीं करना चाहिए, करते हो आप लोग? आप लोगों की थाली जो भी खाना आता है पूरा कंप्लीट करते हो, छोड़ देते हो? अच्छा, आप लोगों की पसंद का नहीं रहता तो भी खाते हो कि छोड़ते हो? खाते हो ना, बहुत अच्छे हो। फिर देखो, हम लोग कहीं भी शादी ब्याह में या होटल में जाते हैं तो देखा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग थाली में खाना छोड़ देते हैं, तो ये अच्छी बात है? नहीं, अपनी थाली में भी कभी खाना नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी किसी को खाने का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई लोग देखो भूखे सोते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, उन लोगों को भूखे पेट रहना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी हमें अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ताकि और लोगों को भी खाना मिलता रहे। आज के मराठी विषय में हम पढ़ेंगे ओरखा पाहू। इसके पहले भी हमारा यही था ना, ओरखा पाहू, उसमें हमने क्या क्या देखा था, याद है कुछ? इसके बारे में देखा था, बताओ तो जरा। नहीं याद आ रहा है? चलो अच्छा देखते हैं। याद आया ये पेज देखे थे कि नहीं? हाँ। क्या पढ़े थे, किसके किसके बारे में पढ़े थे? फूल के बारे में। हाँ, के बारे में, प्राणी के बारे में। बस वहीं तक पढ़े थे, उसके आगे नहीं पढ़े थे। जरा फूलों के बारे में बताओ तो, कौन कौन से फूलों के नाम है? सनफ्लावर। हाँ, का फूल। और जासवंद। हाँ, और भी कुछ याद है फूलों में, और कौन कौन सा था इसके अलावा? सेवंती, चाफा, गुलाब, जासवंद, सदाफूली था ना कि नहीं था? था। याद आया? चाफा, सेवंती, सदाफूली, गुलाब, इसमें तो जासवंद है, अस्टर है, झेंडू फूल है, गुलाब है। फल बताओ तो जरा, फल में क्या क्या पड़े थे, कौन कौन से? नहीं सेब नहीं, सफरचंद। हाँ, केरी, अंबा, संतरे, केला, और क्या था? अमरूद, पपाई, नारंग, ये सब था ना? केड़ी। हाँ, बाबू ठीक से बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ बाबू। हाँ, अच्छी तरह। और प्राणियों में बोलो जरा, कौन कौन से प्राणी हमने देखे थे इसमें, कौन कौन से प्राणी दिख रहे हैं, खाली वही बोलो। हरिण, पक्षी नहीं, प्राणी,
घोड़ा। और कुछ याद है और कौन से प्राणियों के बारे में हम पढ़े थे? गाय, वाघ, कासव, ससा, घोड़ा, ऊंट, हाथी, पढ़े थे ना? पक्षी, दफ्तर, खेलनी, ये तीनों हम देखेंगे। पक्षियों के बारे में जानेंगे, हमारे स्कूल बैग में क्या क्या होता है, खेलनी हमारे खिलौने, ठीक है? पहचानो जरा कौन है। नहीं, पहला वाला जहाँ पर एरो दिख रहा है ग्रीन कलर में, कौन है? पोपट। पोपट कहाँ पर देखा है आप लोगों ने पोपट को? उसके घर में। अपने घर में नहीं? नहीं, उसका एक वो ऐसा होता है ना वो, उसमें। अच्छा, पोपट का रंग कैसा होता है? हरा, हिरवा। वो बहुत ही सुंदर पक्षी है। उसकी चोंच कैसी होती है? लाल। लाल। आप लोगों को अच्छा लगता है ना? हाँ। उसे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। क्या बोलता है वो? उसकी आवाज को हम क्या कहते हैं? मिठू मिठू। क्या कहते हैं? मिठू मिठू। वो बहुत प्यारा और मीठा बोलता है, इसलिए लोग उसे सोचते हैं पिंजरे में कैद करके रखे और उसकी आवाज सुने। आप लोगों के अगल बगल में है पोपट, है कि नहीं है? है। लोग उसको जो सिखाते हैं वो बोलता है ना, राम राम, सीताराम, जय राम, स्वागत, वेलकम। हम जो भी सिखाते हैं वो बोलता है। क्या क्या खाता है पोपट? मिर्ची खाता है। और पेरू खाता है। पेरू और अंगूर खाता है। और क्या खाता है? यानी उसकी एक खासियत है कि उसे जैसा हम सिखाते हैं ना उस तरह वो नकल करके उस तरह की आवाज निकालता है, इसलिए लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। दूसरा देखो कौन है? कावड़ा। नहीं, फिर से देखो। कावड़ा। कोकिड़। कोकिड़। कोयल जानते हो ना? हाँ। कैसे बोलती है कोयल? कुकू। आप लोगों ने सुनी है उसकी आवाज? कुकू। रंग कैसा होता है उसका? कुकू। रंग रंग जैसे वो उसकी आवाज बहुत प्यारी होती है। कोई गाना गाता है तो कहते हैं ना कि कोयल जैसी आवाज है। आप लोगों में भी कोई सुंदर गाता है, अच्छा गाता है तो कहते हैं ना आवाज बहुत प्यारी है, जैसे कोयल जैसी आवाज है ना? उसके बाद तीसरे नंबर पर देखो कौन दिख रहा है? नहीं दिख रहा आप लोगों को? दिख रहा है। क्या है? मुर्गी। मुर्गी। मुर्गा। 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 कोमड़ा। क्या बोलते हैं उसको? कोमड़ा। कोमड़ा क्या करता है? रोज सुबह हमें उठाता है ना? कुकड़ू कू करता है। हाँ, कुकड़ू कू। कुकड़ू कू सुबह बोलकर वो हमें उठाता है, उसकी आवाज को कहते हैं कुकड़ू कू। उसके बाद वाला देखो, दिख रहा है चौथे नंबर पर कौन सा चित्र है? कबूतर। कबूतर की आवाज कैसी होती है? कुकू। कबूतर की आवाज कुकू नहीं होती है, याद करो, याद आएगा, याद आया? गुटर गू गुटर गू ऐसी होती है कि कुकू होती है गुटर। हाँ, ये भी बहुत सुंदर पक्षी है। ये बहुत शांत पक्षी है, इसे शांति का प्रतीक माना जाता है।
पहले के समय में ये लेटर ले जाने का जो पत्र होता था ना, पत्रों को पहुंचाने का काम करता था, उसे शांति का प्रतीक माना जाता है। उसकी आवाज को हम क्या कहते हैं, गुटरगू जैसी वो आवाज निकालता है। रंग कैसा है इसका? ग्रे राखाड़ी, राखाड़ी कलर। चलो अगला देखते हैं, कौन है ये? मोर। कहाँ पर देखे हो? अपने घर के आसपास हम देखते हैं क्या मोर को? कहाँ नहीं, देखते हैं हम, कहाँ दिखाई देता है? जंगल में या पिकनिक मनाने जाते हैं ना, गांव वगैरह में देखो दिखाई देता है मोर। गांव में देखे हो? हाँ। इसको लोग क्यों जानते हैं मोर को? जैसे पोपट तो बहुत अच्छी आवाज निकालता है, जो उसको बुलवाना चाहे वो बोलता है। मोर को हम क्यों पसंद करते हैं? हाँ, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बहुत अच्छी बात। और भी क्या है इसकी खासियत, बोलो जरा। उसका रंग कैसा है? हाँ, इरवा चिड़िया रंगा था, तो उसका कैसा है? इरवा नीले रंग का, उस पर टिपके हैं ना, छोटे छोटे टिपके हैं। वो देखो जब बारिश आती है तो वो नाचता है, अपने पंखों को फैलाकर नाचता है कि नहीं नाचता है, देखे हो? हम लोग उसके पंख अपने घरों में रखते हैं, रखते हो कि नहीं रखते हो? हाँ, जब वो नृत्य करता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। जब वो अपना पंख फैलाकर नाचता है, मग्न हो जाता है नाचने में, तो बहुत सुंदर लगता है। और उसकी आवाज कैसी आती है? मियाओ मियाओ। सुने हो उसकी आवाज को? मियाओ मियाओ नहीं, वो तो उसकी आवाज है मांजर की, ये है मियाओ मियाओ उसकी आवाज। उसके बाद वाला देखो, बदक। बदक। इसकी आवाज कैसी होती है? देखो लिखा हुआ है, पोएट को है। हाँ, आप लोगों ने पोयम भी सुना होगा ना इंग्लिश में, उसमें भी है। ओके नहीं, क्वेक क्वेक। किस रंग का है ये देखो? हाँ, क्वेक क्वेक इसकी आवाज होती है। किस रंग का है? पीला। क्या क्या खाता है ये? पानी में भी रहता है, पानी के ऊपर जमीन पर भी रहता है। क्या खाता है? पानी में रहेगा तो क्या खाएगा, सो बोलो। हाँ, मछली खाता है, छोटी छोटी मछलियां खाता है पानी में से। और कबूतर क्या खाता है? हाँ, कबूतर चना हाँ जो धान है ना, अनाज होते हैं, गेहूं बाजरी ज्वार चने सिंगदाने, ये सब खाता है। अभी आ गया कावड़ा। कावड़ा कावड़ा कैसी होती है? कावड़ा हाँ, काव काव। करता है। और क्या जानते हो आप लोग इसके बारे में? ये बहुत होशियार होता है। आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी ना, टीचर ने देखो सुनाई अभी, इसके पहले ही स्टोरी सुनाई होगी, तान लेना कावड़ा। हाँ, वो अपनी बुद्धिमानी से, अपने दिमाग लगाकर वो कैसे प्रॉब्लम से, संकट से निकलते हैं। कावड़े को देखो प्यास लगी रहती है तो अपना दिमाग चलाता है और घड़े का पानी पीता है। हाँ, तो इसका दिमाग बहुत तेज चलता है और ये बहुत जिद्दी होता है, किसी के भी सर पर आकर काम काम करता रहता है, कितना भी भगाओ भागता है नहीं। खाता है। ये देखो सारी चीजें खाता है, मरे हुए जानवरों को भी खाता है, जो हम पकाकर फेंके रहते हैं वो भी खाता है। तो एक तरह से ये परिसर को स्वच्छ करने का भी काम करता है कावड़ा। ठीक है, उसके बाद देखो ये छोटी सी नन्ही सी क्या है, कौन सी पक्षी है? चिमड़ी, चिड़िया हम कहते हैं ना, स्पैरो। इसकी आवाज कैसी होती है?
चीव, कैसी आवाज होती है? हाँ, ये बहुत प्यारी छोटी सी होती है। इसका लोग बहुत जल्दी, छोटी सी है ना तो बहुत सारे लोग इसका शिकार कर लेते हैं। ये हमारे आसपास नियमित रूप से दिखाई देती है। अगर हम डेली चावल वगैरह डालें तो ये आकर दाना चुगती है, खाकर जाती है। ठीक है, कैसी आवाज होती है इसकी? चीव 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 चीव। हाँ, अगला देखते हैं। पहला क्या लिखा है? योग्य जोड़िया लावा। हमें चित्रों को देखना है, शब्दों को पढ़ना है। शब्द पढ़ो जरा, आप लोगों को पढ़ना आ गया है ना, पढ़ो जरा। कपड़ा, कोबड़ा। हाँ, कोबड़ा, वेरी गुड। नाम मोर। उसके बाद चिमड़ी। हाँ, बदक। अब यहाँ पर दूसरी तरफ चित्रों को पहचानो, कौन सा चित्र है पहला? पहला कोबड़ा। नहीं, फिर से देखो, बदक। बहुत अच्छा। सेकंड नंबर पर फुलका। हाँ, और पोपट। देखो मोर के पंख कैसे फैले हुए हैं, मोर। हाँ, उसके बाद चिड़िया, चिमड़ी। चिमड़ी, बतख, कोमड़ा, पोपट, मोर, चिमड़ी। पहला शब्द है कोमड़ा। कोमड़ा कहाँ पर है, कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पे। मोर चौथे नंबर पे। मोर चौथे, चौथे, चौथे नहीं बोलते, चौथे नंबर पर। चिमड़ी, थर्ड, तीसरे नंबर पर। बदक पहले नंबर पे। हाँ, पहले। अब ये सब सिर्फ चोच दी गई है पक्षियों की। चित्रों को देखो, पहला कौन सा है? पोपट। दूसरा मोर। बतख। ये कौन है? मोर। यहाँ पर देखो एरो है, एम कोमड़ा। कावड़ा। बहुत अच्छा है। ये कौन है? बदक। हाँ, फिर से एक बार बोलो तो, कौन है? पोपट। हाँ, बदक। हाँ, पोपट और कोमड़ा। हाँ, कावड़ा। कावड़ा, बदक। हाँ, ठीक, चलो अगला देखते हैं। क्या दिख रहा है आप लोगों को? इसमें हमें क्या करना है? सावली, ओढ़खा, समान चित्राना, गोलाकरा। तो क्या करना है? पक्षियों की परछाई दी गई है एक तरफ, और एक तरफ पक्षी दिए गए हैं बहुत सारे। चलो पहले पक्षियों के नाम देखो तो बोलो। पहला कौन है? हाँ, चिमड़ी। दूसरा पोपट। कावड़ा। नीचे नहीं, कोयल, कोकिल। उसके बाद पगड़ा क्या है? इसकी गर्दन लंबी होती है, देखो पानी में दिखाई देता है। जानवरों को पीठ पर देखो बैठा दिखाई देता है, देखे हो आप लोग? बदक। बदक, चील, चील। उसके बाद देखो परछाई को देखो और चित्र पहचानो, किसका है, किसकी परछाई है? पहला पोपट की परछाई। हाँ, सावली, पोपट की सावली है वो। तो हम किसको गोल करेंगे? हिरवे रंग के पोपट को। पोपट को। उसके बाद कबूतर। हाँ, कबूतर।
बदक। हाँ बदक, बहुत अच्छा। इसमें भी हमें वही देखना है, देखो जरा क्या है। पहले चित्र में कौन है? इसमें जोड़ियां मिलानी है। हाँ उस पहले देखो तो, पहला चित्र किसका है, नाम बोलो। मोबड़ा। कोमड़ा। हाँ उसके बाद पोपट। आप लोगों को बहुत प्यारा लगता है, लग रहा है ना, पोपट का नाम बहुत आ रहा है। कबूतर, सेकंड है कबूतर। थर्ड पोपट। हाँ उसके बाद बदक। हाँ उसके बाद कावड़ा। हाँ अभी कोमड़े की सावली कहाँ पर है, कौन से नंबर पर? दूसरे। हाँ दूसरे, पहले, दूसरे, तीसरे, कौन से है नंबर पर? तीसरे। हाँ तीसरे कबूतर की, कबूतर की तीसरे चौथे चौथे पर है। पोपट, पोपट लास्ट में, लास्ट में। हाँ सेवट, सेवट पहले नंबर पे। इसके बाद दूसरे। इसमें देखो पक्षी और प्राणी मिक्स है ना, पहला कौन है? ससा। दूसरा चिमड़ी। तीसरा मेडू, बेडू। मेडू। हाँ उसके बाद पोपट। उसके बाद हरिण। हाँ फिर कौड़ा। हमें इसमें क्या करना है, पूरे चित्रों में पक्षी को दिखाना है। ससा पक्षी है क्या? चिमड़ी, हाँ कावड़ा, हाँ पोपट। पोपट, ससा, हरिण, बेडू के पक्षी है क्या? नहीं ना, तो हम इनको गोल करेंगे। नहीं नहीं, जो पक्षी हैं सिर्फ उनको हम गोल करेंगे। कितने पक्षी हैं इस चित्रों में? तीन। तीन। और प्राणी कितने हैं? तीन। तीन। कौन कौन से प्राणी हैं फिर से बोलो एक बार। ससा, हरिण, बेडू। हाँ चलो पहला चित्र किसका है? चिमड़ी। चिमड़ी। चिमड़ी की आवाज को हम क्या कहते हैं? चू चू। चू चू। और कबूतर की आवाज? कुटरगू। हाँ कावड़े की? की काव काव। हाँ पोपट, पोपट। हाँ मिठू, मिठू बोलो जरा। पोपट की आवाज, मिठू मिठू। अब देखो उनकी आवाज दी गई है, पक्षी दिए गए हैं। चिमड़ी की आवाज कहाँ पर है, कौन से नंबर पर? लास्ट में। हाँ बोलो तो जरा उसकी आवाज, च्यू च्यू। क्या है उसकी आवाज? च्यू च्यू। और कबूतर? हाँ कावड़ा, काव काव, काव काव। पोपट, मिट्टू मिट्टू। हाँ आप लोग खेलते हो इनमें से, कौन से खिलौने के साथ खेलते हो कि नहीं खेलते हो अभी? गुड़िया। ये छोटे बच्चों के खिलौने हैं जिनके साथ बच्चे हमेशा खेलते हैं, अधिकतर खेलते हैं। कौन सा है पहला खेल खिलौना? घोड़ा। कौन सा है? घोड़ा। दूसरा?
कार, गाड़ी, उसके बाद गुब्बारा, उसके बाद कौन है, बावली, बावली, उसके बाद विमान, हाँ ये क्या है, इंगरी, इंगरी, हाँ। अब समान चित्रों को हमें जोड़ना है। नीचे वाले में पहले कौन है, बाबुली, बाबुली, उसके बाद विमान, हाँ इंगरी, हाँ गुब्बारा, गाड़ी, गुब्बारा, गाड़ी, घोरा, घोरा, भौरा कौन से नंबर पर है, लास्ट में, उसके बाद गाड़ी पांचवे नंबर पे, गुब्बारा चौथे, बाउली पहले नंबर पे, विमान दूसरे नंबर पे। इसमें से आप लोगों का फेवरेट खिलौना कौन सा है, जिसके साथ आप लोग खेलते हो, मराठी में कहते हैं खेलनी, ये सब खिलौने है ना, कौन सा फेवरेट, किसके साथ खेलना पसंद करोगे, विमान, हाँ अरे वाह, इंगरी, हाँ बिंगरी तीसरे नंबर पे, हाँ बहुत अच्छा। चलो अगला देखते हैं, ये हमने खिलौने के बारे में देखा, पक्षियों के बारे में, अभी क्या रह गया है, कौन कौन से प्राणी दिख रहे हैं बोलो तो जरा, हाँ कुत्रा, माकड़, हिरण, ही हिरण नहीं, हरिण, हरिण, गाय, गाय, वाघ, हाँ। अब हमें नाम के साथ चित्रों की जोड़ियां मिलानी है, चलो देखो पहला कौन सा है, पहला माकड़, माकड़, माकड़ कौन से नंबर पर है, दूसरे, दूसरे, और दूसरा चित्र किसका है, गाय, गाय, गाय कौन से नंबर पर है, पांचवे, हाँ उसके बाद कौन है, हरिण, हरिण तीसरे नंबर पे, उसके बाद कौन बैठा है, वाघ, वाघ कहाँ पर है, लास्ट में, कुत्रा, कुत्रा, कुत्रा पहले नंबर पे, मासा पहले कहाँ पर है, पहले नंबर पे, नहीं फिर से देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चौथे नंबर पर है, मासा देखा, हाँ मासा, ये सारे वस्तुएं आप लोगों ने देखी हैं, हाँ कहाँ पर देखे हो, आप लोगों का एडमिशन होता है, पेन बैग में रखते हो तो अपनी पर्स बॉक्स दफ्तर में रखते हो ना, उस बॉक्स में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जो आप लोगों के काम की हैं, पहला कौन सा है, पहली वस्तु क्या है, पहली वस्तु का नाम बोलो, रबर, हाँ दूसरा पेंसिल, पेन, हाँ पेन, उसके बाद वही वही में हम क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं, हमें कुछ लिखना होता है तो हम पेंसिल से, अभी आप लोग छोटे हो ना तो पेंसिल से लिखते हो कि पेन से, पेंसिल से, हाँ पेंसिल से, और उसके बाद जब ड्राइंग बनाते हैं तो कलर करना होता है, रंग पेटी का यूज करते हैं, रंग पेटी, हाँ उसके बाद कंपास पेटी, उसमें बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं, शार्पनर है ना, टोक या टोक के अंदर, उसके बाद पट्टी, पट्टी, अभी आप लोग छोटे हो तो पट्टी का यूज आप लोगों को बहुत कम होता होगा, स्टेपलर का यूज होता है आप लोगों को, हाँ एक साथ कहाँ पर यूज करते हो बताओ तो जरा,
जब टीचर हमें प्रिंट आउट करने देती है ना, तब तब काम में आता है। अच्छा, पिन करने के लिए, पिन अप करने के लिए ना, स्टेपलर, बहुत सारे पेज एक साथ रखने के लिए हम पिन का उपयोग करते हैं। उसके बाद वाला देखो, ये सारी वस्तुएं हमारे दफ्तर में रहती हैं, बैग में रहती हैं, है ना, स्कूल जाते समय। लेकिन हमारे काम में स्टेपलर नहीं आता बहुत, और कंपास पेटी में जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा सामान रहता है। वो आप लोग छोटे हो ना, तो गोला प्रकार ये सब यूज में नहीं होता है। बाकी सारी वस्तुओं ऊपर की जो है वो हमारे यूज में रेगुलर होती हैं। चलो अगला देखते हैं। अब देखो क्या है, याद आ रहा है, देखो इसको। हाँ, टेबल, टेबल कुर्सी। दूसरा क्या है, हम लोग क्लास में हमेशा देखते हैं, आपकी टीचर यूज करती हैं पढ़ाते समय आप लोगों को, क्या है? चॉक और पोछने वाला, डस्टर, खड़ू और डस्टर, या डस्टर खड़ू। उसके बाद खड़ू और डस्टर, हाँ। उसके बाद क्या है, उसके बाद ब्लैक बोर्ड, हाँ फड़ा। हम क्या कहते हैं ब्लैक बोर्ड को, फड़ा खेते। ये क्या है, जी वही वही। उसके बाद बैग, हम क्या है बैग के लिए शब्द, हमने पढ़ा ना अभी, दफ्तर, दफ्तर। हाँ उसके बाद इस पर हम क्या करते हैं, कूदते हैं कि बैठते हैं, बैठते। हाँ रिसेस होती है तो कूदते भी है ना। बाग, उसके बाद क्या है, नहीं कूदना चाहिए लग जाएगा। पार्टी, जब हम बहुत छोटे रहते हैं पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत इसी से करते हैं ना, पार्टी से, चौक से हम भी लिखते थे। उसके बाद वाला देखो लास्ट क्या है, पुस्तक। अब पहला चित्र क्या है, टेबल कुर्सी। ये कहाँ पर है शब्द, टेबल कुर्सी, टेबल लास्ट में है, देखो कहाँ पर है, लास्ट में। उसके बाद डस्टर खड़ू, डस्टर खड़ू, हाँ डस्टर खड़ू। दूसरे नंबर पर तीसरे, पड़ा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, पांचवे नंबर पर। उसके बाद वही चौथे नंबर पर, देखो चौथे, दफ्तर पहले, हाँ पहले नंबर पर। बात वे बैठते हैं ना, बेंच, उसके बाद पार्टी, 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 लास्ट पुस्तक। कौन से नंबर पर है पुस्तक, बच गया है, हाँ दूसरे नंबर पर, दूसरे, ठीक। क्या कहेगा नाम आप लोगों को, यस टीचर। अभी आप लोगों का गृह कार्य, इसमें से जो पक्षी आपको पसंद होगा उसको क्या करोगे, हाँ रंग भरोगे, क्या करोगे रंग, हाँ। कौन कौन से पक्षी हैं, द मोर है, पोपट है, कबूतर है। कौन सा फेवरेट है आपका, पोपट। वाह, चलो फिर रंग भर के सभी लोग अपनी अपनी पसंद के पक्षी में रंग भरोगे और दिखाओगे अगली बार, ठीक है। और जो भी आप लोग इसके पहले पढ़े आज पढ़े उसको याद रखोगे, हाँ। चलो अगली तासिका में मिलेंगे, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, थैंक यू टीचर, थैंक यू सभी को, थैंक यू, वेलकम। आप लोग इतनी सुबह उठते हो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो हम किसको पढ़ाएंगे, है ना। चलो
अब दूसरी टीचर आएंगी पढ़ाएंगी आप लोगों को अगली तासिका में, फिर मिलेंगे। बाय टीचर, बाय, लव यू, बाय।